एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर डीटीएच टच पर। आज की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ एक बार फिर से शेयर करेंगे कुछ नए चैनल के बारे में, जिनमें से आपके साथ बात होगी यानी कि गवर्नमेंट्स सनप्लेक्स की, उसके बाद समारोह गुजराती मनोरंजन की, और साथ साथ बात होगी क्याउ ट्यून की, और उसके बाद शुभ सिनेमे के बारे में लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो बस बस शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लेना, आगे से जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन आए। और एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल रहेगा जिसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज TTH, उस पर भी सपोर्ट करें, बस बस शेयर करें, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज की डेट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी खबरें घूम रही हैं जो आप गूगल पर भी जाके सर्च करेंगे, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट सनप्लेक्स का एक लोगो देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब रेव हो रहे हैं कि एक नया चैनल गवर्नमेंट्स नेटवर्क की ओर से बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। पहली बात तो ये रहेगी कि इसका लोगो तो जरूर शो हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका ट्रेडमार्क जारी नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट्स नेटवर्क की ओर से एक नया चैनल ऐसा शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द, और सबसे पहले इसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद चैनल हो सकता है आने वाले समय में आपको गवर्नमेंट्स नेटवर्क की ओर से देखने के लिए मिल सकता है। और अगले चैनल की बात करें तो रहेगा समारोह गुजराती मनोरंजन, जो कि आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल चुका है, और इसकी टेस्टिंग की बात करें तो इसका ट्रेडमार्क जारी होने में अभी बहुत टाइम पड़ा है, ट्रेडमार्क जारी किया जाएगा, उसके बाद इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी, टेस्टिंग 83 बैंड का सैटेलाइट भी होगी, उसके बाद ये चैनल आने समय में देखने के लिए मिल सकता है। अगली आपके साथ न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ क्याउ ट्यून की, जो आपको हमने पहले बताया कि जियो ऐप के माध्यम से आप ये बिल्कुल फ्री टू देख पाएंगे, लेकिन इसकी गुड न्यूज़ निकलेगा आ चुकी, इसकी टेस्टिंग बहुत जल्द एशिया सेट 7 105°C बैंड के सैटेलाइट पर शुरू होने जा रही है, उसके बाद ये चैनल बहुत जल्द आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। अगली चैनल की बात करें जिसका ट्रेंडमार्क जारी हो चुका है, जिसका नाम रहेगा शुभ सिनेमा, जो कि शुभ नेटवर्क की ओर से एक नया चैनल शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी सॉफ्ट मूवी और बॉलीवुड की मूवी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी टेस्टिंग की बात करें तो 83 बैंड के सैटेलाइट पे इसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद चैनल सभी पेट्रो ऑपरेटरों के पास और डीटी फ्री डिश पर भी ये चैनल आपको 100% देखने के लिए मिल सकता है। 79E ऑप्शन की बात करें तो 79E ऑप्शन फेल्ड हो चुकी है, यानी उसमें कोई से भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बोल रहे हैं 79E ऑप्शन पर, यानी कि सोनी मैक्स 2 ने पार्टिसिपेट किया है, समारोह बॉलीवुड ने किया है, लेकिन आपको पहले बता दें सभी की सभी फेक न्यूज है, किसी भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो ई ऑप्शन थी फेल्ड हो चुकी है, और बहुत जल्द नेक्स्ट ई ऑप्शन डी डी फ्री डिश की जाएगी, नए स्लोट बढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपको आने वाले समय में डी डी फ्री डिश पर नए चैनल देखने के लिए मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप देख रहे हैं DTH टच, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लेना, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करते रहें।